नेवी में अप्लाई किया था तुमने? हाँ मामा। समझती क्या हो तुम अपने आप को? आज से अपने सारे फैसले तुम खुद करोगी क्या? नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह नहीं। मैंने तो सिर्फ नेवी के लिए अप्लाई किया है, कोई चोरी तो नहीं की। शट अप, समान समान के बात करो लड़की। हमसे पूछे बिना तुम नेवी में अप्लाई करी कैसे सकती हो? आज तक हमने तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जीने दिया, इसका यह मतलब नहीं कि मर गए। देखो निकिता, तुम अपनी जिंदगी के बारे में जो भी फैसला करना चाहती हो कर सकती हो। अगर उनमें तुम अपने परिवार वालों को शामिल नहीं करना चाहती तो भी तुम्हारी मर्जी। ऐसी बात नहीं है डैड। एक मिनट निखिल, एक मिनट। निकिता, तुमने जो फैसले किए हैं ऐसी बात नहीं है कि वो हमें पसंद नहीं। हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के अहम मसलों पर अगर तुम हमारी राय लोगी तो शायद गलतियां कम होंगी। मैं तो सिर्फ आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? ये शौक? इसमें शौक की क्या बात है मामा? डिफेंस हमारे खानदान के लिए कोई नई बात है क्या? इसीलिए तो ज्यादा शौक लगा। हमने सोचा भी नहीं था कि नेवी ज्वाइन करने का फैसला ये इस तरह से करेगी। लेकिन मामा, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि इसको पहले से ही डिफेंस से लगाव है और शुरू से ये डिफेंस ज्वाइन करना चाहती थी। हाँ जानता हूँ निखिल, लेकिन मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि ये फौज में क्यों जाना चाहती है? क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ बस। देखा, कोई जवाब नहीं है इसके पास, इसीलिए मैं इसे इजाजत नहीं दे सकता। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए जो निष्ठा चाहिए वो है इसमें। हाँ डैड, निकी में निष्ठा है, सिर्फ उसके तरीके आप लोगों से अलग है। आप तो अभी तक उसे बच्ची समझती हैं, जरा उसके नजरिए से तो भी सोचिए। आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए कि आपकी बेटी ने नेवी जैसे कार्य क्षेत्र को चुना है। अब तो आपके दोनों बच्चे फौजी बन जाएंगे। नो नो, बात खुश होने की नहीं है बेटे। फौज एक संकल्प है, एक लगन है, एक जिम्मेदारी का एहसास है। फौजी के लिए आत्मबल का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ हाथ में बंदूक थामने से या वर्दी पहनने से कोई फौजी नहीं कहलाता। डैड, जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया था तो यही नसीहतें आपने मुझे भी दी थी, और इसीलिए आज तुम एक अच्छे और काबिल अफसर बन सकते। एग्जैक्टली डैड, और इसीलिए निकिता भी एक काबिल अफसर बन सकती है। ये SSB में फेल हो गई तो? I promise you डैड, मैं फेल नहीं होंगी। देखो निकी, तुम जरूर पास हो जाओगी अगर तुम एक कर्नल की बेटी हो। नहीं देवन, ये गलत है। अगर तुम में आत्मविश्वास और लगन है तभी तुम्हें फौज में एडमिशन मिल सकती है। इसके लिए तुम्हें किसी कर्नल की औलाद होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेहनत से होगा क्या? आखिर नेवी के बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। यही जानकारी तुम्हें नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान मिल जाती है। मैं खाना लेके आता हूँ। अच्छा इला, तुम्हारे घर वालों की रिएक्शन कैसे थी? नो प्रॉब्लम, पापा ने तो मुझे शॉपिंग करने के लिए पैसे भी दे दिए। तुम भी नेवी ज्वाइन कर रही हो? हाँ। तुमने अप्लाई कर दिया? कभी का, मैंने और निकी ने साथ ही किया। और तुमने मुझे बताया तक नहीं। इला, प्लीज डोंट। प्लीज डोंट क्या? देखो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नेवी में जाना चाहिए। अगर मेरे पापा ने परमिशन दे दी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो इला, मैं देवेन, ये मेरी जिंदगी है और वैसे भी मेरी चॉइस से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ओके, आई एम सॉरी। एनीवन फॉर कोल्ड ड्रिंक्स? हाँ प्लीज देवेन। इला रिलैक्स यार। रिलैक्स क्या, ये कौन होता है मुझे परमिशन देने वाला? दोस्त है अपना इला, कम ऑन। ए मैन, टेक इट इजी, टेक इट इजी। बीच में गायब हो रहा है क्या? क्या बाजू में खड़ा है यू क्लाउन? व्हाट डिड यू से? फिर से बोल। कॉलर छोड़ दे मेरा, कॉलर छोड़ दे मेरा, वरना ठीक नहीं होगा। मारना मत, सॉरी यार, गलती हो। हे रिलैक्स निकी, क्या कर रही हो तुम? ए आई एम सॉरी यार। क्या दावे कर रहा है क्या? कब से निकी चुप। Hey Sahil यार, I'm really sorry यार। It's okay। तू 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 चल अपने साथ चल यार। निकी चलो। निकी ये मेरा दोस्त है साहिल, से सॉरी बोलो। I'm sorry। साहिल और मैं SSB में एक साथ थे। इसे भी मेरी तरह एक पायलट बनना था,
पर डिफेंस में इसकी दाल नहीं गली, इसलिए कमर्शियल पायलट बन गया। जी हाँ, और अगर आज इनका मुक्का थोड़ा और जोर से पड़ता ना, तो इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता दोबारा। दोबारा? जी, SSB में दांत की वजह से ही फेल हुआ था। Oh my God, I'm sorry, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? दर्द? जी वो कहते हैं ना, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। किसी दिन मैं तुम्हारे जैसी एंबिशियस लड़की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, काम करूंगा। तुम और निखिल बैचमेट्स थे ना, लेकिन तुमने एफओस के बारे में कैसे सोचा? एक्सक्यूज मी, इफ यू हैवंट नोटिस, मेरे पास दिमाग है। आई मीन, तुम्हारे फैमिली में कोई फौज में है क्या? कौन जाने कौन हूँ मैं, कौन होने जा रहा हूँ मैं, निगाहों में खूबसूरती खींचता ही जा रहा हूँ। कैसा लड़का है यार, स्वयं कैसा लड़का है। मैंने तुम्हें तुम्हारे फैमिली के बारे में पूछा यार, तुम शायरी करने लगे। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे परिवार के 3 सदस्य और मेरे परिवार की 3 जनरेशन फौज में थी, तो मैं ये कहूँगी कि तुम्हारी फैमिली में और मेरी फैमिली में बहुत सिमिलैरिटी है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे भाई तीनों फौज में है, तो मैं ये कहूँगी कि मेरी फैमिली में और तुम्हारी फैमिली में इतनी सारी सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि माय मदर इज अ सिविलियन। ओके, अच्छा अगर अब मैं ये कहूँ, जरा ध्यान से सुना, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे परिवार के 3 सदस्य यानी मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे भाई भारतीय नौसेना पोत अर्थात इंडियन नेवी के सदस्य है और वो इस वक्त गोवा में पोस्टेड है, तो मैं कहूँगी कि तुमसे बड़ा फेंकू और कोई नहीं है। देखा, सच का मिला यही सिला। हाँ, तुझे हम पर यकीन नहीं है जालिम, ना मुरादगी के लिए ही सही, तेरी ज़बान पे मेरा नाम तो आया। बा, 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 क्या कहने, अब तुम्हारे सब है ना शायरी मुझे समझ में आती है। क्यों? फेंकी हुई रहती है ना, इसलिए ठोकी हुई रहती है। अब देखो जनाब साहिल फेंकूबादी, हम आपकी इजाजत चाहते हैं और आपके वालिद साहब है ना, वो जरूर एडमिरल से कम नहीं होंगे ना, तो उनसे कह देना कि मैडम सचदेव आ रही है। हा? Bye, अरे सुनो, तुम्हें जब सच्चाई का पता लगेगा तब तुम्हें पता लगेगा। मुंह तोड़ दिया मेरा, बात भी नहीं सुनती, बात भी नहीं करती, क्या करूं? चलो डिप्स मारता हूं। फिट तो होना चाहिए, तो पसीने से ऐसे नहाई हुई हूँ,
ऐसा लगता है 15 किलोमीटर दौड़ के आई हूँ। स्टैमिना बढ़ाना है ना, वेट्स, डिप्स, स्विमिंग सब कर रही हो। तू कुछ करी है कि नहीं? स्किपिंग करती हूँ और योगा भी। चल ऐसा थोड़ी चलेगा। आज से एक घंटा एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज देश का एरिया कितने किलोमीटर का है? 32,80,483 स्क्वायर किलोमीटर। और हमारे देश के राज्य कितने हैं? 25। ओह, 7 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। चंद्रशेखर, उससे पहले वीपी सिंह, उससे पहले राजीव गांधी, उससे पहले इंदिरा गांधी, उससे पहले मोरारजी देसाई। गलत गलत। चरण सिंह। यू राइट। चरण सिंह, उससे पहले मोरारजी देसाई, उससे पहले इंदिरा गांधी, उससे पहले गुलजारी लाल नंदा, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री, उससे पहले फिर गुलजारी लाल नंदा, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू, उससे पहले इंडिपेंडेंस। अरे यू नो व्हाट, आज एक मैगजीन में ना पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में क्विज था, तो मैं पढ़ रही थी। उसमें एक पिक्चर दिया हुआ था, एक औरत सो रही है बेड पे और एक आदमी उधर से निकल रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी वो चुपचाप निकल रहा है। ओके, आई थॉट सो। तो मैंने लिखा, आई मीन हमको गेस करना था वो क्या हो रहा है। तो देन मैंने लिखा कि वो औरत का घर है और वो आदमी उसमें डाका डाल रहा है। I got zero. Obviously you'll get a zero, yaar. I mean positive thinking pe agar quiz tha to you should have written something else na. Like what? Well something like, you know, maybe ki wo aurat aur wo aadmi jo koi bhi hai wo behan bhai hain aur subah ka waqt hai, wo aurat so rahi hai aur uska bhai ye soch ke dheere se ghar se nikal raha hai ki wo usko jagaye nahi, uski neend disturb nahi kare, something like that. But that's positive na, ye ek daka aur wo aurat so rahi hai, this is not positive thinking. Come on. Honestly, मुझे नहीं पता चला, इसलिए मैंने अंडरस्टूड। तुम्हें पता है? आई मीन समझा मैं क्या था? थोड़ा सा वेगली। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल देन। ओके, लेट्स सी फॉर इंस्टेंस के तुम दोनों मेरे घर आते हो, आके डोरबेल बजाते हो, तो मेरा भाई तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन मेरे भाई ने अपने बदन पर एक भी कपड़ा पहना नहीं है, ही स्टार्क नेकेड। शट अप। तो नहीं, तो क्या करोगी तुम? कुछ भी बोल दियो यार तुम। आई मीन जस्ट टेल मी कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा इस ऐसी सिचुएशन देख के। टेल मी ना, आई मीन दिस इज अ क्विज, या कम ऑन। आई पास आउट, मैं बैन हो जाऊंगी। पागल है यार ये, तुम क्या करोगी? मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगी। बंद कर दोगी? ऑब्वियसली। अच्छा सुनो, जस्ट इमेजिन के मेरे जिस भाई ने दरवाजा खोला है उसकी उम्र सिर्फ 3 साल की है, he's just 3 years old. देखिए बिहेवियर सेल्फ। नो आई मीन इमेजिन यार, देखो मैंने ये तो नहीं कहा कि निखिल ने दरवाजा खोला, मैंने कहा मेरे भाई ने दरवाजा खोला है। माय भाई कुड बी एनीवन। एक थिंकिंग अलग होती है ना, पॉजिटिवली सोचना चाहिए। क्यों 24 साल का होगा, वो तो 2 साल का भी होगा। यू स्टूपिड। हेलो आंटी, साहिल बोल रहा हूँ। निखिल घर पे है? नहीं है। ओके, वो निकी घर पे होगी। हाँ जरा बात कराइए। हेलो निकी, हाउ आर यू? बस अभी अभी फ्लाइट से आया हूँ, सोचा निखिल को लंच पे बुला लूँ, लेकिन वो घर पे नहीं है। क्या उसकी एंगेजमेंट हो गई है किरण से? वाओ दैट्स ग्रेट। तब तो उसे कंपनी ही कंपनी होगी, प्राइवेट अनलिमिटेड।
तुम्हारी एंगेजमेंट तो नहीं हुई ना, तो करनी है? अरे मैं सिर्फ लंच एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है तुम मिलकर मुझे मुक्का ही मार लेना। ठीक है, मैं आधे घंटे के बाद तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। ओके ओके। साहिल, ऑल द बेस्ट। व्हाट दिस? नहीं लेकिन बता ना, बता बात क्या है? टेल मी। बात तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है तो फिर ट्रीट क्यों दे रहे हो? अरे ट्रीट, एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ। बात ये है कि ट्रीट हम दे रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत चिंतित है आपके बारे में, आप लोगों के बारे में, क्योंकि आप लोग नेवी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आ गए अपनी औकात पे। देखो अगर एसएसबी पास करेंगे ना तभी जाकर नेवी ज्वाइन करेंगे, तो तू अभी से चिंता मत कर। मेरी बात गौर से सुनो, ये नेवी जो है ना आप लोग के बस का काम है ही नहीं। रियली? हमारे बस का काम नहीं है तो हमारे बस का काम क्या है? सिलाई कढ़ाई बुनाई एंड ऑल दैट स्टफ। ओए 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 चुप कर, पहली तो बात ये है हम लोग सब मॉडर्न है। और ये क्या है, शोविनिस्ट फेमिनिस्ट क्या लगा के क्या रखा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आई एम टेलिंग यू सीरियसली,
कि नेवी इज नॉट योर कप ऑफ टी। सुनो, जब डिफेंस में औरतों की भर्ती शुरू की होगी तब कुछ सोच समझ के किया होगा ना, तुम्हारी तरह सब बेवकूफ तो नहीं होते। नो स्टूपिड। ए कम ऑन यार, तुम्हारा तो कोई फौजी बैकग्राउंड भी नहीं है। लुक एट व्हाट ही सेइंग। मेरे पापा बिजनेसमैन है तो मैं भी बिजनेस वुमन बन जाऊं, whether I like it or I don't। नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब ये है कि मेरी फौजी बैकग्राउंड है ना, तो मेरे फैमिली के हर जनरेशन के आदमी और औरत को फौज ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, वो तो कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते। Does that make sense? अरे बाबा, लेकिन और भी तो लाइनें हैं। Like क्या? कंप्यूटर्स, मैनेजमेंट, लॉ, कुछ भी कर सकती हो। इनके बारे में मैं उतना ही जानती हूँ जितना कि नेवी के बारे में, तो व्हाई नॉट नेवी। यार तुम तो भाषण देने लग गई, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा तुमने कभी? कुछ सोचा? स्टूपिड, फ्यूचर के बारे में सोचा तभी तो डिसीजन लिया है। अरे अरे अरे, रुको रुको, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। सोचो कि तुम्हारी नेवी में भर्ती हो गई, तुम्हारी पोस्टिंग कभी यहाँ है कभी वहाँ है, शादी के बारे में सोचा है? क्या तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहेगा? और अगर बच्चे हो गए तो लोग पढ़ाई के बारे में क्या? क्या? Excuse me, have you forgotten? मेरे पिताजी डिफेंस ऑफिसर है, he's a colonel. मेरे पढ़ाई का क्या हुआ? MSc Part 2 कर लिया है ना? अरे? Come on यार, and for that matter, रही पति की बात तो हम किसी डिफेंस ऑफिसर किसी नेवल ऑफिसर से शादी कर लेंगे, so he knows about this life. Provided he is good looking. Provided he is understanding. Good. अरे यार निकी, मुझे एक बात बताओ, जब औरत में इतनी क्रिएटिविटी है कि वो बच्चे को जन्म दे सकती है, her name is synonymous with mother nature. तो तुम ये डिस्ट्रक्टिव काम क्यों करना चाहती हो जिससे दुनिया खत्म हो जाए? He's right. मुझे बताओ, फौज का मतलब बैटल डिस्ट्रक्शन, इतना ही बताया ना तुम्हें। लेकिन फौज को डिफेंस सर्विसेज क्यों कहा जाता है? Why is it called defense? हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पीस कीपिंग कंटिजेंट किसके लिए बने हैं? फॉर पीस, शांति अमन कायम करने के लिए। और आज अगर हमारी लड़ाई हमारे पड़ोसी देशों के साथ नहीं हो रही है तो पता है किस लिए नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ सियाचिन में और बाड़मेर में हमारे हमारे फौजी जवान शेर बने बैठे हुए। Exactly. और राइट्स में वो हेलमेट वाले पुलिस अंकल, what are they called? Central Reserve Police Force. हाँ, SRP, CRPF. वो लोग झगड़ा बढ़ाते हैं या कम करते हैं? सोमालिया में हमारे कंटिजेंट्स क्या कर रहे हैं? Do you have the biggest idea? और हम लोग डिफेंस सिर्फ इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं बिकॉज़ वी लव आवर कंट्री। प्रिसाइजली। अगर आज हमारी फौजी ताकत बढ़ती है तो इसका मतलब है कि बजाले किसी के हम पे धावा बोल दे, सो द एंड रिजल्ट इज पीस, शांति, अमन। दैट्स इट। एग्जैक्टली। क्रिटिकल स्टॉक वी आर रियली इंप्रेस्ड। वाकई में हम तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, वी वांटेड टू सी कि तुम कितने डिटरमिंड हो अपने इसमें। आई मस्ट से I'm really proud of you. अरे आया आया, क्या कर रहा है? We all are very proud of you. You mean to say कि इतनी देर जो बोल रहे थे, you didn't mean it? Of course. You didn't mean it. So we're just wasting our time. Nikki, Nikki, let's make them proud of us. Now, should we? Let's come on. तो आप क्या इला को सचमुच फौज में भर दोगे? नहीं कांता, मैं उसे जानबूझकर बैंगलोर घूमने के लिए भेज रहा हूँ। मतलब यही कि जब वो बैंगलोर जाकर फौज की कड़क डिसिप्लिन ट्रेनिंग देखेगी ना, तो फौजी का भूत उसके दिमाग से अपने आप उतर जाएगा, समझी? मुझे तो नहीं लगता। ये सब तो मुझ पर छोड़ दे, अने मारे पांटे पर एक सरस पान लगाओ। तूने सब कुछ ठीक से लिया है ना? आठवीं बार पूछ रही है आप। अरे भाई जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ओके, फिर बाय। यू बाय बाय डैड। हां, ऑल द बेस्ट बेटे, जीते रहो। हां बेटे, एक बात याद रखना। जी। जब मैं एसएसबी के लिए जा रहा था तो मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि बेटे अगर फेल हो गए तो कभी अपनी सूरत भी मत दिखाना। और भूल से मैं पास हो गया। और वैसे ही मैं तुमसे कह रहा हूं बेटे, अगर फेल हो गए तो घर वापस मत आना। डैड डोंट वरी अरुण, वो जरूर पास होगी। सुनो, फेल होने के डर से बचने की कोशिश हमेशा नाकामयाब होती है। देखो, अगर कोशिश करनी है तो सक्सेसफुल बनने के लिए करो, अनसक्सेसफुल के ठप्पे से बचने के लिए नहीं। ओके, करेक्ट। इसी को हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। चले, देर हो रही है।